हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विकास, रेजोटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। आज मैं कुछ और प्रिंटर आपको दिखाना चाहूँगा TSC के, जिन पे जैसे कि MRP से रिलेटेड, MRP स्टिकर निकालने से रिलेटेड, शिपिंग लेबल जिससे निकलते हैं Amazon, Flipkart वगैरह जिनसे निकाले जाते हैं, मैं कुछ प्रिंटर आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रिंटर मेरे सामने हैं TSC के। जैसे कि मैं मॉडल बता देता हूँ, TSC 345, जो कि Amazon, Flipkart, शिपिंग लेबल्स में ज़्यादातर यही प्रिंटर यूज़ होता है। MRP से रिलेटेड, जैसे कस्टमर्स अपने कुछ MRP बनाना चाहते हैं, उस MRP में कुछ भी लमसम जो भी है, वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंपनी नेम, MRP स्टिकर्स निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए रिलेटेड इन्हीं प्रिंटर को बनाया गया है। TSC मॉडल है 244 प्रो, और एक प्रिंटर हमारे पास TSC TE 244। अब इनके कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ छोटे छोटे या थोड़े से बड़े डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं इनको लगाते कैसे हैं, वो लगाना मैं आपको बताऊँगा, और इनमें डिफरेंसेस क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ज़्यादातर जैसे शिपिंग लेबल के लिए, मैंने आपको अभी भी बताया, शिपिंग लेबल ये आप देख रहे होंगे, रिबन लेबल। शिपिंग लेबल में रिबन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर DT का होता है, डायरेक्ट थर्मल होता है, जिसमें हमें रिबन की नीड नहीं होती। अब ये आप देख रहे हैं 4x6 एक साइज इंच में होता है, ये Amazon या Flipkart के शिपिंग लेबल में यूज़ होता है ये लेबल्स। आपको ये और बताना चाहूँगा कि प्रेजोटेक सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग बाय लेबल, हम लेबल भी मैन्युफैक्चरर हैं, करते हैं, हमारी मशीनें हैं जो कटिंग करती हैं इन लेबल्स की एनी साइजेस। तो आपके सामने मैं एक प्रिंटर खोल रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ये पोजीशन, ये कुछ एसेसरीज होती हैं, ये मेरे सामने कुछ रखी हुई हैं एसेसरीज, ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंटर के साथ मिलती हैं, पावर केबल, USB केबल, और आपका एक CD जिसमें ड्राइवर और सॉफ्टवेयर एक अल्ट्रालाइट वर्जन फ्री मिलता है, ये एसेसरीज है। मैं इसको अब लगाऊंगा और लगा के शिपिंग लेबल प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं आपको लगाना दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर एक चीज़ और मैं कुछ बताना चाहूँगा, ये कीज होती हैं दोनों तरफ, इनको हम अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचते हैं ताकि ये आराम से इजीली ओपन हो सके। जब इसे हम बंद करते हैं तो हमें ये वाली इसकी जो लेफ्ट राइट साइड की डंडी है उसको हमें नीचे करना पड़ता है ताकि इसको बंद कर सकें। अब कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, ज़्यादा हार्डली प्रेस मत कीजिएगा, इसे ईजी आने दीजिए नीचे, दैट्स इट, बंद कर दीजिए। बंद होने पर ये लाइट ग्रीन होनी चाहिए, अगर ये रेड है तो कंडीशन होगी, इसका मतलब या कुछ चीज़ हमने गलत लगाया है या कोई कमांड पहले से इसमें पड़ी है जिसको हम नहीं देखते हैं, तो ऑलरेडी रेड दिखा देता है। तो ये बंद हो चुका है, मैं आपको अब एक शिपिंग लेबल इस पर प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पास मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मैं उसको अब प्रिंट करूंगा। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये Amazon या Flipkart के ही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं प्रिंट करके इस प्रिंटर से निकालूंगा। इस प्रिंटर की कुछ चीज़ें मैंने आपको शायद नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। ये 300 DPI प्रिंटर होता है, और जो प्रिंटर मैंने आपको पहले TSC के दिखाए थे वो 203 DPI के होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी कुछ Flipkart के स्टिकर्स प्रिंट किए हैं शिपिंग लेबल, जो हम किसी भी प्रोडक्ट पर लगा करके आगे फॉरवर्ड करते हैं,
तो ये देख पा रहे हैं आप, तो आप देख रहे होंगे कि दोस्तों की प्रिंट, मैंने कुछ प्रिंट शिपिंग लेबल प्रिंट किए हैं और आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ फॉन्ट्स बहुत छोटे हैं जो कि क्लियर आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्लियर वे में हैं, और इसीलिए ज़्यादातर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जो भी शिपिंग लेबल प्रिंट यूज़ करते हैं तो वो TSC 345 मॉडल को ही पहले बोलते हैं कि हमें यही चाहिए जैसे कि हमारा प्रिंट हो वो क्लियर दिखे, तो सबसे पहले अमेज़ॉन वगैरह भी इन्हीं को रेफ़र करते हैं कि प्रिंटिंग इसकी बहुत क्लियर और इसको इजी चलाना है। तो दोस्तों अभी आपको मैंने 345 मॉडल के बारे में बताया, अभी मैंने आपको दो प्रिंटर थोड़ी देर पहले ये भी बताए थे कि दो प्रिंटर और हैं जो 203 DPI के हैं, जैसे कि TSC 244 Pro और एक TE 244। अब आप कहेंगे कि मॉडल नेम तो सेम है, इसमें फ़र्क क्या है? ये ओल्ड वर्जन है जो पहले काफ़ी टाइम पहले यही चलते थे, अब ये अराइवल है, इसी का ही अराइवल है, बस कुछ फ़र्क है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हेड ओपन होने का डिफरेंट। ये हमारा पर्सनल यूज़ है, हम इसे पर्सनल यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग दोनों ही बहुत अच्छी करते हैं, MRP स्टिकर्स वगैरह जैसे निकालना चाहें तो। ये देखिए बस इसकी हेड की पोजीशन जो है वो 30 डिग्रीज ओपन होती है, ये ओल्ड वर्जन है, और जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको दूसरा TE 244, इसमें ये फ़र्क है कि ये 90 डिग्रीज ओपन होता है, मतलब इसका जो हेड प्रोसेस है ये ज़्यादा खुलता है कि अराइवल है, और ये ओल्ड वर्जन है इसलिए इसका ये हेड वर्जन जो है वो थोड़ा कम खुलता है। मैंने आपको ये दोनों प्रिंटर दिखाए, इन दोनों प्रिंटरों में दोनों ही की DPI सेम है, दोनों ही की प्रिंटिंग अच्छी है, अराइवल में बस एक स्पीड का थोड़ा सा ऑप्शन है कि वो स्पीड इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा तेज है। तो मैं कुछ प्रिंटिंग आपको MRP का कुछ स्टिकर्स बना करके मैं आपको एक प्रिंट निकाल के दिखाना चाहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था कि MRP कैसे प्रिंट होकर के कैसे निकाली जाती है। MRP रिलेटेड समथिंग आप समझ रहे होंगे, जैसे क्लोथिंग शॉप्स होती हैं, ग्रॉसरीज होते हैं, खुद की दुकानें होती हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि मैं अपना नाम दे करके अपने प्रोडक्ट को MRP वगैरह रख करके क्या MRP मुझे रखनी है एक प्रिंट निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं और कैसे बनती है वो आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है बार्टेंडर करके अल्ट्रालाइट वर्जन, तो इसके साथ फ्री ऑफकोर्स आता है, मैंने आपको CD दिखाई थी, उसी में मैंने ये कुछ डिज़ाइन रैंडमली बनाया है, तो मैं इससे अब प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा मैंने ये कुछ प्रिंट किए हैं, ये आप देख सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं मैंने कुछ प्रिंट किया है, कुछ MRP टाइप लेवल्स बनाने की कोशिश की है और उसको करके आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ जो इसकी प्रिंटिंग है, क्लियरिटी है और बेहतरीन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।